सर आज के में मैं आपको ऐसे आठ करियर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ इन टेक विच एन अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अप टू एट्टी लाख रुपीज इन अ ईयर इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स सो पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है कौन सी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी एंड वट इज द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड इन द नेक्स्ट फाइव टू टेन ईयर्स नेक्स्ट पाँच साल में इनकी सैलरी आपके अगर इस पाथ पे आप ग्रो करते हो तो इस लेवल तक जा सकती है तो so इस वाली वीडियो का मैं लाइक टारगेट रखना है फाइव लाइक्स अगर फाइव लाइक्स इस वाली वीडियो पे आते हैं तो हम स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे जो इन रोल्स पर आपको हायर कर रहे होंगे एंड यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द अदर चैनल क्यूरियस स्टार वहाँ पर हम काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज आजकल डाल रहे हैं एंड वहाँ पर हमने जावा वाली जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दिया यू कैन चेक इट आउट या अन कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं वीडियो रिलेटेड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बचपन में सबके ड्रीम्स और गोल्स ना काफी अलग अलग होते हैं जब जो हम बनना चाहते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं बन पाते हैं ये बार इस चीज़ के बारे में ना काफी अपनी पुरानी वीडियोज में भी बात की हुई है बट लाइक एज यू ग्रो अप यू रियलाइज की कौन सी चीज़ों में आप अच्छे हो कौन सी चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हो एंड फाइनली यू डिसाइड अ पाथ जिसमें आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में तो so, आप लोग डिसाइड कर सकते हो अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट फील्ड एंड उसके बाद इफ यू वॉन्ट टू मेक योर करियर इन दैट फील्ड देन यू कैन डू इट सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं बिल्कुल अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन इज डेटा साइंटिस्ट द करेंट एवरेज सैली दैट यू कैन गेट इन इंडिया एक एज अ डेटा साइंटिस्ट इज अराउंड फिफ्टीन लाख रुपीज़ दैट इज पंद्रह लाख रुपये पर एनम सो ये अभी जो एवरेज सैलरी है वो है लाइक आई रेड नंबर ऑफ आर्टिकल्स आई वॉज द नंबर ऑफ वीडियोज एंड काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उस पर हम आए हैं सो दिस इज द नंबर वन थिंग एंड इसके अलावा क्या क्या कैक्नोलॉजी चाहिए होते हैं मैं आपको बताता हूँ मोस्टली डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है डेटा साइंटिस्ट को ना डेटा को एनालाइज करके हाइपोथिस वगैरह बनाने होते हैं और बताना होता है कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर सकते हैं वी अप्लाई एक्स वाई जेड थिंग्स एंड और भी काफी सारे डेटा रिलेटेड काम होते हैं एंड डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड और भी काफी सारे लाइक रोल्स हैं जैसे डेटा इंजीनियर इज ऑल्सो सिमिलर उसमें इंजीनियरिंग थोड़ी ज्यादा होती है एंड हाइपोथिस कम उसमें एक्चुअल डेटा को लेकर कुछ प्रेट कर रहे होते हैं डेटा एनालिस्ट इज ऑल्सो फील्ड जिसमें कोडिंग थोड़ी और कम होती है सो दीज आर द मेजर थ्री फील्ड्स एंड सबकी सैलरी काफी ज्यादा डिफर करती है डेटा इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंटिस्ट की सैलरी काफी कम्पेरेबल होती है बट डेटा की थोड़ी सी कम होती है सैलरी एंड इट है अर्निंग अप टू फिफ्टी लाख रुपीज मतलब मोर दिसक पहुंच जाते हैं प्रमोशन वगैरह ले रहे हो सारे फैक्टर्स में डिपेंड कर लाइक हाउ मनी टाइम इन फाइव ईयर्स इफ यू स्वच द कंपनी और नॉट एंड कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है रिसेशन का बट आप ऑन एन एवरेज फिफ्टी तक पहुंच सकते हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स जो चाहिए होते हैं, Python, R,

एनी ऑफ दीज अगर आपको बस फ्रंट एंड बहुत ज्यादा पसंद है डेटा साइंस बहुत ज्यादा पसंद है आप परस्यू कर सकते हो बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो एवरेज सैलरी होती है सो इट्स अराउंड ट्वेल्व एलपी है बारह लाख रुपए पर ईयर एंड दैट कैन गो अप टू एट्टी लाख रुपीज़ मतलब मैंने अपने सामने देखा है चार चार पांच-पांच साल एक्सपीरियंस लोगों को जो टोटल उनका होता है मतलब इनहैंड जो सैलरी होते हैं दैट कैन गो अप टू एट्टी लाख रुपीज़ इन फाइव ईयर्स कितने स्विच कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कितने प्रमोशन मिले उस पर डिपेंड करता है फाइव ईयस में यू कैन ईजिली लाइक बिकम अ एस डी टू मतलब सीनियर एस डी टू एंड सीनियर एस डी टू की जो टोटल कॉम्पनसेशन होती है इन ईयर कैन रेंज लाइक कैन कम इन दिस रेंज इसमें आपके बोनसेज भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें आपके स्टॉक्स भी इंक्लूडेड होते हैं बट इन हैंड होता है सारा अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए यार क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ है मी एंड सुबेश रिसेंटली लॉस्ट एल्गो प्रेप उस उसमें हम लाइक एच इंटरव्यू प्रेप एक हमने कोर्स लॉन्च किया इसमें हम पूरा पढ़ा रहे हैं लाइक हाउ यू कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डी चाहिए होता है ओ एस में सूप्स कंप्यूटर नेटवर्क वाले सब्जेक्ट चाहिए होते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है विल बी डूइंग एवरीथिंग यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट इसके अलावा लाइक like जो लैंग्वेजेज चाहिए होते हैं कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए होती है नीड टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए तो जावा पाइथन सी प्लस प्लस कोई भी आप चूज कर सकते हैं इसके साथ डीएसए अच्छे से करना पड़ता है डीएसए करने के बाद आपको ओ एस डी वी एम एस उप ओ एस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स डी वीएमएस के डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स Oops, के यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ठीक है इसके कॉन्सेप्ट होते हैं काफी सारे वो आपको सीखने पड़ते हैं सी एन क्या कंप्यूटर नेटवर्क इसके अलावा और भी काफी सब, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बट जनरली इंटरव्यूज में ये सब पूछे जाते हैं लाइक यू नीड टू लर्न अ लॉट मोर बट इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए सारी चीजें चाहिए होती एंड द नेक्स्ट वन इज गेम डेवलपर अब बचपन में यार हम सबने बहुत सारे कंप्यूटर गेम्स तो खेले ही हैं एंड गेम डेवलपर इज ऑल्सो एन वेरी अमेजिंग प्रोफाइल अब प्रेशर का जो यहाँ पे पैकेज होता है इज अराउंड सिक्स एपी एज यू ग्रो इन योर करियर नेक्स्ट फाइव इयर में इट कैन गो अप टू एंड एंड इवन मोर जनरली आपको गेम डेवलपर बनने के लिए सी प्लस प्लस

बूम पे आई थी वेब थ्री बहुत ज्यादा बूम पे आया था इवन नाउ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ है वेब थ्री पे भी, भी काम कर रही हैं। थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ एवरीथिंग बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट इन फ्यूचर सो ब्लॉक चेन इंजीनियर अगर आप किसी भी कंपनी में भी बनते हो करेंटली सो यू कैन गेट अ लाइक एवरेज साली अराउंड फिफ्टीन एल पी एंड अगर बाहर किसी कंपनी में लाइक यूएस की किसी कंपनी में एज रि रिमोट इंजीनियर कर रहे हो तो इससे काफी ज्यादा कमा सकते हो एंड द अर्निंग पोटेंशियल इज अपू लाइक थर्टी फाइव फोर्टी लाख रुपीज एंड लाइक आफ्टर फाइव इयर इट कैन गो अपू लाइक फिफ्टी सिक्सटी लाख रुपीजी ऑल्सो अब यहाँ पे आपका काम क्या होता है जनरली आपको ब्लॉक चेन सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने होते हैं ठीक है अगर आप किसी लाइक like, कॉइन uh, वाली कंपनी में ही जा रहे हो ठीक है तो उसमें आपको मोस्टली कॉइन पर काम कर रहे हैं होगा ठीक है अगर आप उस Uh, किसी फ्रेमवर्क को यूज करके कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो आपको उस फ्रेमवर्क पे लाइक like, काम करना होगा तो लाइक डिपेंड्स ऑन विच स्टार्टअप और विच कंपनी और विच प्रोजेक्ट यू आर ज्वाइनिंग बट मोस्टली आपको जो काम होगा दैट विल बी एनी ब्लॉक चेन फ्रेमवर्क जितना भी आपका काम होगा दैट विल मोस्टली बी ऑन एथीरियरियम बटकॉइन लाइक सॉलिडिटी एंड लाइक लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क लाइक दैट एंड द अदर थिंग्स विच नीड टू लर्न इज लाइक हाइपर लेजर फैब्रिक यू नीड टू लर्न पाइथन एंड सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट मोर अबाउट दिस एंड मैंने इस पर एक रोडबाब टाइप की वीडियो भी बनाई थी लाइक हाउ आई लर्न ब्लॉक चेन मैंने थोड़ी बहुत अपने

क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स का पता होना चाहिए जैसे जीसीपी हो गया ईडब्लू हो गया जी इनमें से मतलब किसी एक का जो जिस भी चीज पे आपकी कंपनी काम करे उसका आपको आइडिया होना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा एंड सॉफ्टवेयर लाइक आंसिबल शेफ एंड पपेट ये सारे सीखने पड़ेंगे इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए बिकॉज ऑटोमेशन के साथ साथ यूल नीड टू राइट सम कोड ऑल्सो सो दिस इज द बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अगर आपको कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो इस वाली फील्ड में यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट जनरली जो कोड फटता है ना वो यहीं फटता है डिप्लॉयमेंट <laughs> के टाइम कोड फट रहा है तो so, इंटरेस्टिंग

बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक रोल के लिए दिया जा रहा है सो so आपको बस वो अच्छे से आना चाहिए अब वेब डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए यार जनरली लोग नॉन स्टाक स्टाक प्रेफर करते हैं ठीक है आपको एक डेटा आना चाहिए आपको एक फ्रंट एंड लैंग्वेज आना चाहिए आपको एक बैक एंड uh, के लिए लैंग्वेज आनी चाहिए या फ्रेमवर्क आना चाहिए एंड दिस इज हाउ यू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर आपको एस टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट तो आना चाहिए इसके साथ अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं दैट इज वेल एंड गुड आपको पाइथन आएगा तो आप इसमें जांगो वगैरह कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट आता है तो आप नोट जे यूज कर सकते हो बैक एंड के लिए डाटा में आपको एसक्यूएल नॉन एस क्यूएल वाले डेटा बेसिस में से कोई भी आना चाहिए जब आप काम करने जाते हो तो हो सकता है आपकी कंपनी कुछ और यूज करे तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी बट दिस इज द मेजर रोल एंड द सैलरी कैन गो अप टू ट्वेंटी फाइव थर्टी फॉर्टी एल पी ए एवरेज uh, जो होता है एज अ वेब डेवलपर एंड द लास्ट एंड फाइनल कम्स फ्रंट एंड इंजीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर का क्या काम होता है जो आप uh, अपने एंड पे देख रहे होते हैं वेबसाइट्स या फिर एप्स वो जो पूरा फ्रंट एंड होता है वो मोस्टली फ्रंट एंड इंजीनियर्स बना रहे होते हैं इनकी भी जो सैलरी रेंज होती है वो सिमिलर होती है एज अ फुल इंजीनियर दैट कैन स्टार्ट अप लाइक फ्रॉम एट एल पी ए कैन गो अपूटी थर्टी फोर्टी एल पी ए डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड कौन सी कंपनीज में आपने काम किया बट दिस इज द एवरेज इसमें आपको मोस्टली डेटा बेसिस एंड बैक एंड वाला चीजें नहीं सीखनी होती बट फ्रंट एंड

चीज आपको सीखने को हो, मिली होगी अगर सीखने को मिली है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चाल कब तक नहीं किया मिलते हैं वाली वीडियो में। तब तक के लिए